भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की निर्धारित यात्रा से पहले जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को सील कर दिया गया है। बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस बल तैनात किया गया है। अखिलेश के घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इससे सपा नेता आक्रोशित है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस बल और बैरिकेडिंग की मौजूदगी के बीच पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आवास पर इकट्ठा होने लगे हैं। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर गोमती नगर स्थित JPNIC का दौरा करने वाले थे। अखिलेश यादव ने कहा कि जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन सपा कार्यकर्ता उनके म्यूजियम में जयंती मनाते हैं, लेकिन हमें दो बार से माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस अधिकारी अखिलेश यादव से बात करने के लिए उनके निजी आवास के अंदर गए। इसके बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये सरकार इस सेंटर को बेचना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये बैरिकेडिंग सपा के कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाएगी। पुलिस कब तक यहाँ रहेगी? जब पुलिस वहाँ से हटेगी तब हम वहाँ माल्यार्पण करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बृहस्पतिवार को देर रात गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में बयान दिया कि ये टीन शेड लगाकर सरकार कुछ तो छिपाना चाह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? बता दें कि समाजवादी विचारधारा के प्रतीक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 11 अक्टूबर को जयंती है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव JPNIC जाना है। इसके पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर JPNIC के मेन गेट पर लगाई जा रही टीन का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा, जयप्रकाश नारायण आजादी की लड़ाई में हमारे बड़े नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हें सभी पार्टियों के नेताओं का सम्मान प्राप्त थे। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम प्रतिपक्ष उनका सम्मान करने के लिए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। पिछली बार भी उन्हें यानी कि अखिलेश यादव को रोका गया था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां गए और माल्यार्पण किया फिर चले आए। मुझे समझ नहीं आता कि केवल माल्यार्पण करने से कौन सा पहाड़ टूट जाता है। या तो उस संस्थान में कोई गड़बड़ी है जिसे बेचने का प्रयास किया जा रहा है और ये गड़बड़ उजागर न हो, इसलिए ऐसी लोकतांत्रिक कार्रवाई करके उन्हें जाने से रोका जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ नेटवर्क 24।